चुंगी लगता है लेकिन मेरा खाली चुंगी रहना है, पूंजी लगाना पड़ता नहीं। भकवा जैसा मैं रोड में खड़ा था, चौक में एक ठठेरा था दुकान में, कहीं से एक आदमी देखा तार आया, तार इस तरह से लिखा था, इस तरह से आया, देख रहे तो 52 का कितना मांगे क्या देता है पता है। अरे बाबा हमारे बेटवा सब डॉक्टर जवाब दे रहे लेकिन हमारे बेटवा के दुखता ले आम तुम जिंदा कर आम जिंदा नहीं देने बहुत जिंदा कर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है पहले तुम स्वर्ग संपत्ति खोज करो तो नीचे संपत्ति मिले। यदि पहले हम लोग वही वाला कहते वही वाला मिले वही वाला मिले तो मिलेगा कहां से। हालेलुया। तो धने चाहे गुणे हमारे पास धन नहीं है प्रभु जी के गुण है। हालेलुया। जब हम कहीं बड़े बड़े सेठ लोग पा जाते हैं तो चाय पीजिए बाबा ठंडा पीजिए, कभी कभी पैर को धोकर पानी को पीने लगते तो कहते हैं गंदा चीज ना है बाबा गंदा चीज नहीं। एक दिन मेरा पत्नी रो रही थी तो रो का है इतना बोला कहा रो रही है आप जीवित हैं तो इतना आदर मान सम्मान करते हैं इतना बड़ा बड़ा संपत्ति प्रॉपर्टी वाला और आप कुछ हो जाए तो हमको कौन पूछेगा कहा रो रही है। तो पूरा बातचीत कर रहा तो मेरा आदर नहीं कहते गुण का आदर करता चुका हाँ। हाँ कोई तो कितनो अच्छा घर है सोफा सेट लगा हुआ टाइल्स लगा हुआ कोई पैर को धोकर पूरा घरे रूम में पूरा आधा गादा में पानी छिटेंगे हम कहीं गंदा चीज है सुर्खी है। या तो पूछता 5:5-16 में लिखता है कि धर्मी जन का प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। 2024 में मौत मृत्यु होने वाला होगा इस प्रार्थना माने पर आपका आयु बढ़ जाएगा। या तो मानते हैं तो परिवार का आयु घट लो कि बढ़ लो घट लो कि बढ़ लो तो परिवार का आयु घट लो कि बढ़ लो घट लो कि बढ़ लो। हाँ लिया इसलिए तो कुछ 5:16 में धर्मी जन का प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ जरा कटेगा दुआ मिलेगा बदुआ कटेगा आयु बढ़ेगा होने वाला चीज घटना होने वाला चीज कट जाएगा जो ऐसे होने वाला है लेकिन उस जगह आने पर कुछ भी कर देगा कट जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये वचन की इसको हम याद करते हैं। बड़ी रो रही थी बाबा हमार सब खानदान कैंसर से मर गए थे हमरो इसने बीमारी पकड़ी अब हम नहीं जीव रेशमी तू नदी रहते दो थप्पड़ मारती हुआ तो कहे नहीं मर जेबो आप नहीं जीवो हमके मरने के लिए मत बात करो जीने के लिए बात करो बचने के लिए बच गए कौन से बात करते थे बाबा अब हम नहीं जीव कोई दवाई सेटिंग करे नहीं अब सब डॉक्टर ने कोई दवाई काम नहीं करे तब अब हम बचबे नहीं करबो अभी तो हम लास्ट हो अब हमारा केवरो भरोसा ना अब हम बचबे नहीं करबो अब हम नहीं जीव हम भी न दे रहा दो थप्पड़ मार दिया तो दूर में रह गए से नहीं मरने का बात मेरे पास मत नहीं जीने को बात जिले के लिए तो कहा कि मार दीजिए। हाँ भैया हाँ भैया जीने के लिए प्रार्थना करो मरने के लिए प्रभु तैयारी करें सब हम लोग अपने में बदुआ लेते हैं क्या लेते हैं दुआ आप जीते ही अगर कहे तू मर गए आत्मा होता हूँ तो बोले थे जैसे को निभा एक व्यक्ति तालाब में घुस मतलब कपड़ा धोते धोते कपड़ा धोए थे थोड़ा बैठा उसको निकालने के तो ऐसे ऐसे तैरने फिर उठ गए आपका ही दौड़िएगा दौड़िएगा हम डूब गए मर गया जीते डूब गए मर गए जीते तो प्रभु का कहेगा प्रभु इसको बचाए ऊपर नीचे करे तो प्रभु उन्हें रोक ले और कहते दौड़िएगा हम डूब गए मर गए आप जीते प्रभु नाराज नहीं होगा हम इसको बचा कर रखे हैं इसको लोक ले रखे हैं हम मेरा बदनामी कर रहे हैं सोच लो बताइए। फिर किसी के माध्यम से प्रभु उसको भेजा और उसको निकाल किसी ने किसी के माध्यम से प्रभु उसको भेज कर उसको निकाला लेकिन उसका कहना भाषा सुनिए
दौड़िएगा दौड़िएगा, हम डूब गए मर गए मर गए। जब डूबिए नहीं तो गोतियात का है नहीं, आप मरिए नहीं तो गोतियात का है नहीं, तो प्रभु का कहेगा। देखिए मेरा बदनामी कर रहा है, मैं इनको संभाल रहा हूँ, आज का कर रहा, तो प्रभु का बदनामी करना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का बदनामी करना नहीं। कोई डॉक्टर दवा दे दी खा रहे सेवा, हमको उनको बुला दीजिए, हम उनको देख लेंगे, कहे अब हम नहीं बचेंगे, मामू को बुला दे, मामी को बुला दे, चाचा को बुला दीजिए, भजना को बुला दीजिए, हम उसी को देखेंगे, ले सब आ गए फिर भी जीते, और अपने साथे पति जीने का चिंता नहीं बन रहे, ये भी अच्छा बात नहीं, अच्छा बात नहीं। हालेलुया, जीने के लिए जाने के लिए प्रक्रिया, हालेलुया हालेलुया, जीने के लिए याद करो, जाने के लिए प्रभु याद करेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, हाँ अपने इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में है, फिर जागृत हुई है कि विषय निश्चय तुम्हें आराम में भी विचार था, अवसर ना मिला, या नहीं कि अपने गति कारण कहता हूँ, मैं सीखा हूँ कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो, मैं दिन भी ना होना चाहता हूँ और पढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और पढ़ना और घटना सीखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता है। तो भी तुमने भला किया कि कलेश में थोड़ा सा ब्रेक लेना। क्रिसमस यहाँ पर होता है और फिर उसके पे गुड फ्राइडे, यहाँ पर जिसको बहुत लोग है, हम नहीं भी थे या थे भी, यहाँ पर से बहुत लोग है क्रिसमस गुड फ्राइडे में अपने आप, नहीं बाबा यहाँ पर इसको रखिए, यहाँ पर जो भी है प्रभु के लिए काम में हम लोग दे रहे हैं, तो बिना प्रभु में नहीं भी है वो लोग गुड फ्राइडे में, कितने लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम है या तो कोई प्रोग्राम में आप लोग दान किए खड़े हुए, तो खड़े खड़े हुए प्रोग्राम गुड फ्राइडे में खड़े हुए, हाँ चलिए हाँ यहाँ पर भी, अरे बात नहीं करें उधर, बात नहीं करें प्रभु पर चल, लेकिन कैसे कैसे पता चला कि वहाँ इस तरह से प्रोग्राम होने वाला है, इसका पति यहाँ पर हजार रुपया दान किया, दान किया हजार रुपया दान किया, विश्वास नहीं प्रभु इतना बड़ा मुसीबत से बचाया है, तो प्रभु का काम यहाँ बताना बहुत ही जरूरी। इसलिए मलाकी पुस्तक मिलता है कि लोग हमसे लेना चाहता है लेता है, लेकिन मिलता नहीं है। देखिए और भी कोई लोग ऐसा है, हाँ एक पीस है। इससे पता चलता है कि प्रभु से लिया तो प्रभु के लिए दिया, लेकिन बाकी तो देने वाला है, बाकी तो लेने वाला है, देने वाला नहीं है, लेने वाला है देने वाला नहीं है। लेकिन मैं बाजार में इस बार रामनवमी में जब गया, एकदम चंदा ले रहा 5,000 अकाउंट हो गया, नहीं कितना को लेगा, उधर से चंदा लिया वसीद काटा फिर 10 पहुँच गया, इतना लगा, देना है तो देना है, जो कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई और कोई चंगा है कोई सच्चाई, लेकिन उसके लिए दे रहा है, लेकिन यहाँ हकीकत चाहिए, वहाँ लोग हाथ बटा नहीं रहा है, सोच रहे आप यहाँ पर हम लोग आपका है ना, ये कौन दिया है भाई, थोड़ा सा देखेंगे, हाँ गुप्ता जी चतरा भगवान दास, आप देखा जाएंगे वहाँ गुप्ता चतरा भगवान दास, भगवान ने देखे है तो यहाँ उतना दूर से भगवान जैसे कैसे आ गए, ये सोचने की बात है। गुप्ता भगवान दास
चित्रा जी चत्रा भगवान दा भगवान ने जैसे उतरी है लेकिन कहाँ आ गई है। इसका पति का जॉब है, नौकरी है, सरकारी जॉब है, इसका इलाज के लिए गली गली सब जगह भटक गया लेकिन कहीं से कोई डॉक्टर नहीं मालूम पड़ता। यही से मतलब सोचिए यहाँ 2 महीना तक रह सब बीमारी है, बीमारी है। तो इनका कहना है दोनों पति पत्नी का जब बताया तो देखिए हर महीना यहाँ पर देना मैं मांगता हूँ हर महीना अपने जो भी वेतन में से देखिए इतना प्रभु के लिए दे लो, मुझे तो नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहा है, इतने संपत्ति है, इतने संपत्ति है कि प्रभु के लिए दे रहे हैं। लेकिन प्रभु के लिए लोग लेते हैं मतलब प्रभु के आप पूछा जा रहा आपका पति कितना वेतन है 40,000 हम बीमार हो गए तो 2,500 लोग बहुत चिंता बहुत चिंता बहुत पति पति का बेटा ले आएगा तो कभी सेब ले आएगा तो कभी करेली ले आएगा तो कभी भिंडी ले आएगा तो कभी सेब ले आएगा तो कभी गेंदा ले आएगा सुबह शाम दोनों पति पत्नी सुख नहीं पता चलता है दुख नहीं पता चलता है कौन मेरा है कौन मेरा हर समय का अपवन पकवन भी बिताते रहती है। मेरे तो याद नहीं करती है उस बातों को याद करती हूँ जो कि प्रभु से पर भी करके हमको इस दुनिया में बता दिए प्रभु इसका दास है लड़का नहीं है बेटी के लिए बहुत चिंता नहीं करते गया काम इसका पूरा देगा चिंता नहीं करना है प्रभु कहता है सारा चिंता मेरे पति सौंप दो आदमी के इतना आदमी भीड़ नहीं आप वहाँ देने वाला को आफत हो जाता है कोई दे रहा है तो पतले को फेंक दिया लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत विश्वासी भी क्रिसमस में गुड फ्राइडे की मदद नहीं करता है बहुत विश्वासी भी दशवंश नहीं देता है लेकिन विश्वासी नहीं है लेकिन विश्वास है कि प्रभु हमको जिंदा जब मैं दुनिया से चला गया तो हाँ किसी मंडली ने लेन देन के विषय में सहायता नहीं किया इसी प्रकार हाँ मेरे घटी को यहाँ को कह के देना चाहिए कि प्रभु के दास को तो कह के देना चाहिए लेकिन प्रभु के लिए देता नहीं है प्रभु से लेता है लेकिन देता नहीं है। हालेलुया चलिए एक बार वरन दो बार कुछ भेजा था यह नहीं कि दान चाहता हूँ मैं ऐसा फल चाहता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारा लाभ जो दे रहे हैं तेरा लाभ होगा मेरा आप हमसे ज्यादा आपको मिलेगा हमसे ज्यादा आपको मिलेगा आपका किस्मत बनाएगा आपका संपत्ति को रुकावट करेगा आपका हानि से बचाएगा इसके विषय बहुत कम लोग समझता है। हर कह की दाने से बचेगा जान इसलिए नाम है दान तभी बचेगा जान। देखिए कैसे बात है
हालेलुया। इसे नाम है दान। दान तो हम लोग देते हैं, लेकिन दान हम लोग सही जगह पहुंचता नहीं, सही जगह नहीं पहुंचता है। हालेलुया। चलिए ना हम लोग खैनी खाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं। तो सोचिए कि 3 लाख है तो 30,000 छोड़ना पड़ेगा। पंकज बाबू आपका कितना साल में आपके इनकम आता होगा? 2 लाख साल में, 20,000 इसको छोड़ना है। अब हम मुसलमान इसके विषय में नहीं समझता है, समझ रहा है? मुसलमान इसका ज्यादा उपयोग करता है, इसलिए मुसलमान में लंबी आयु वाला मिलेगा और बरकत वाला ज्यादा मिलेगा, हरकत वाला नहीं मिलेगा। आप सब काम में डबलट मिलेगा और पुराना आदमी ज्यादा मिलेगा। मुसलमान में दान बहुत ज्यादा करता है, इसलिए जान का सुरक्षित होता है और हम लोग चुस्त धन, इसलिए बीमारी खाते जाता है, खटना होते जाता है। मैं भी दान करता हूँ, इसकी बात नहीं, मैं भी दान करता हूँ। हालेलुया। और अभी तो सोचा कि मैं जान दे दूँ, का दे दूँ, जाने दे दूँ, इतना देते खड़ा रहना सोचे जाने दे दिया। हालेलुया। हाल इसलिए दान नहीं देगा, बेसमय चल जाएगा जान। दान से यहाँ भी जान बचेगा, दान से आत्मा का भी जान बचेगा, दो फायदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दान के विषय में लोग नहीं समझ पाता है, हम लोग जानते हैं कि क्या है। हम कल ही बतला रहे थे, मेरा पत्नी 2019 में इतना बीमार हुई थी, इतना बीमार से क्या करें डॉक्टर के पास। एक व्यक्ति को मैं रोड में जितना रुपया था नीचे सब निकाल के उसका कट रहा हूँ, भैया इधर से निकाल दो। और मैं कह रहा प्रभु सब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं मेरा पत्नी को कि बाहर ले जाओ, ये हो जाए, खून नहीं है तो वो नहीं है तो फलना नहीं है। एक व्यक्ति से मैं नोटिस सुझाव कर रहा है, कुछ सब्जी लिया था, जितना पैसा था सब निकाल कर कटोरा भर गया। अपन था पैर इतना पतला पतला, हाथ एक सही था, एक हाथ भी थोड़ा गड़बड़ी था। रोड में घसीटते जा रहा था, अल्मोनियम का कटोरा इतना बड़ा था, उसको घसीटते गोली जा रहा था। ठीक उधर श्रीराम चौंक मिल गया, उधर से मैं आ रहा था, इधर जा रहा था, मोटरसाइकिल खड़ा कर रहा था। बोला बाबू यहीं पर आइएगा, देखिए कुछ सब्जी है, गाय है, मुँह लगा के सब खाने के लिए जो गया। उसके बाद में सब उसका कटोरा में डालने लगा। प्रभु इस घड़ी आपसे मैं मुलाकात रोड में भी पिच रोड में कर रहा हूँ, मेरा पत्नी को चक्र में सब डॉक्टर लोग जवाब दे चुके हैं, बर्ड नहीं है, ही नहीं है, वो नहीं है। प्रभु सब जवाब दे चुके हैं, प्रभु अभी हम रोड में आपसे दर्शन करें, प्रभु मेरा पत्नी को कल्याण कर दिए। प्रभु दो चिड़िया उलते जाते हैं, प्रभु शिकारी एक को मार लिया, एक भटकते रहते हैं, प्रभु अभी मेरा पत्नी को नहीं ले जाएगा, प्रभु दया किए, प्रभु बचाइए। प्रभु आज जितना पैसा था नीचे से ऊपर तक सब कटरन था, जो 1 रुपया भी रखा और कोई इनकी गिनती नहीं। आज जब दे दिया आया एक के बाद तो वहां बचे उसका कटोरा भर गया पूरा रुपया से, एक के बाद ऐसे करके मुस्कुराहट देखा। उसके बाद दूसरा दिन से मेरा पत्नी का सुधार होते होते कोई डॉक्टर का भी या कोई बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। सोच कर बताइए, धाम और भगवान हम लोग का दरवाजा और रोड में भी देखा। हालेलुया। हाल इसलिए प्रभु कहता है मैं दान नहीं चाहता हूँ, मैं दिल चाहता हूँ, का चाहता हूँ। चलिए हाँ, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ेगा, तुम्हारा लाभ के लिए क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। दारू तो 40 रुपया है, दारू 40 रुपया 50 रुपया, और एक बोतल कहते कहते दो तीनों बोतल पी जाती है, और एक कहते कहते तो यारी दोस्ती में कितना रुपया भी तक खत्म कर देते हैं। लेकिन हम दान के लिए सोचते रहते हैं, इतना दिए तो अपना दिए, इन्हें दिए सब देव जी इतने तो हम उतने दे रहे, दुनिया कुल कहाँ से पकड़ देगा। हाँ कभी सोच रहे हैं, कभी नहीं सोच रहे, कभी दिए कि नहीं दिए। दुनिया के हम बहुत सोच करते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं, छोटा देना है। ठाकुर को गाली देते हम सुने हैं, पंडित को गाली देते सुने हैं, ये ठकेरा है, लुटेरा है, दारू पी लिए गप गप पैसा तो निकालेगा, लेकिन दान देने के लिए कुरकुराए तो भाई। हालेलुया। हालेलुया। चलिए
मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत ऐसे है जो वस्तु है भेजी थी, उन्हें पाकर मैं स्थिरित हो गया। वो सुखदायक सुगंध ग्रहण किए, हाँ, जो बलिदान है, जो परमेश्वर को खाता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित। थोड़ा बच्चा लोग और हम उठा के भेजेंगे, हम पहले से कहते रहते हैं कि आप लोग से प्रार्थना है, एकदम हम गिर के झुक के कर रहे हैं। एक बार में अनोखा बात कहता था कि बच्चा वाला को थोड़ा पोल्टी काम ले जाएगा कि प्रार्थना डिस्टर्ब ना हो। कहाँ सुन रहे हैं आप लोग, चाय चूं इधर उधर बात की कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ना सुनिएगा ना किसी को सुनिएगा। सीखो और किसी को सिखाओ, समझो और किसी को समझाओ, बचो और किसी को बचाओ, जानो और किसी को जनवा। ये हम लोग की इच्छा रहता है कि सुनो और किसी को सुनाओ, समझो और किसी को समझाओ, बचो और किसी को बचाओ। इसमें पहले समय कहते रहे जितना भी छोटा छोटा बच्चा है उस पोटी काम लेकर वो हल्ला गुला करे तो दूरी में चलेगा। अब सामने में इंटीट्यूट करते हैं, इधर तक कुछ ध्यान दे रहा है, यहाँ से वही मेरे परेशानी करेगा। जब यहाँ से हम उधर चले जाएंगे जो यहाँ पर नहीं समझ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, ये बाबा काहे दिन आई भाई, कन्या कैसे पीबे, इतना दिन से आवे थे, इतना दिन से जाए थे आवे थे, कैसे करबे, हमको परेशानी कौन करता है, कौन करता है परेशान, जो बात को समझता नहीं। इलाज चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर हंस रहा है, इतना बड़का बड़का डॉक्टर खत्म हो गया इलाज करके, रांची तो पटना तो बिलोर, आज जीतवा कागज कहीं आदमी ठीक हो लगे। राजा सबको मजा देने ऊपर वाला खुदा अनुभव, हम सब को खोद खाद के साचा ढांचा को बनाने वाला, हरिन के अंदर बहुत कीमती हवा को भी समाने वाला तू है राजा। इन समय हमारे माता बने बड़े दूर दराज से जगह लोग आते हैं, उनका तू कल्याण करना अपना, बदुआम को दूर करना और दुआ को दिया करना, सतयुग को उनके साथ होने को देना, कलयुग को दूर करना और सतयुग उन लोगों को जीवन तो हो लेना। हाँ प्रभु, जो हमारे माता बहनों चावल दान यहाँ पर जीवन को और दान के उसे तू ग्रहण करना, इस दान देने पर तू उनकी कमी नहीं बल्कि उनकी बढ़ोतरी होने पा पिता। हाँ प्रभु, इस दान के द्वारा तेरा महिमा होने पा, इस दान के द्वारा प्रभु ये कोई और सोना चांदी और डीजी बजाने के लिए और ट्रेनिंग या दारू पीने के लिए और कोई मूर्ति बाजा डीजी बाजा नाचने के लिए होने ना पड़ेगा, लेकिन तेरा महिमा को इस दान देने पर उनकी घटी नहीं बल्कि उनकी हर जगह बढ़ोतरी होने पाए, उनके घर द्वार बेटे बेटियों में और उनके खेती बाड़ी में और उनके बिजनेस और उनके माता पिता और उनके प्रभु हर जगह काम में तू आशीषों को दिया करना, उनके बेटे बेटियां पढ़ाई लिखाई करते होंगे उनमें भी गिफ्ट ज्ञान याद शक्ति को दिया करना और उन्हें तू बढ़ोतरी को दिया करना पिता। हाँ प्रभु, जैसे हमारे माता बहनों के आने में सहयोग और मदद के पिता, इस जगह से खत्ती वो लौटने के लिए ज्यादा मदद है, जुगाड़ी होकर आती है उनके भी संचालक मालिक ड्राइवर प्रभु होकर यहाँ घर तक पहुँचाने में मदद क्या करना पिता। हाँ प्रभु, जैसे आज हम सबको मिलने का मौका दिया वैसे आने वाला दिन भी हम सबों को मिलने का मौका दिया करना प्रभु। ये हम सब मिलकर बारिश के लिए भी दुआ करते हैं पिता, 2022-23 में बारिश ना होने के कारण काफ़ी गर्मी काफ़ी तकलीफ पाए जाते हैं पिता, बहुत जगह से पकल में पानी नहीं है, कुआं में पानी नहीं है पिता। हाँ प्रभु, बहुत लोगों की स्थिति खराब हो चला प्रभु जी, हम लोग सब मिलकर दुआ करते हैं कि 2022-23 बारिश नहीं होने के कारण काफी गर्मी काफी तकलीफ पाए जाते हैं पिता। हम सब मिलकर संयुक्त दुआ प्रार्थना करते हैं पिता, 2024 में ऊपर से वर्षा को दिया करना, धरती का पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीव जंतु और सब मानव जाति को बड़े आनंद होने के लिए 2024 बारिश को दिया करना पिता, ताकि बारिश पाकर हम हरे भरे होकर खेती बाड़ी हम पाकर खा पी कर तीर्थ होकर जीवित होकर हम सब तेरा स्तुति तेरा महिमा करने पर पिता। जैसे हम सब हमको 2000 प्रभु देश में भला चंगा, 2024 में भला चंगा रखना, यहाँ पर जितने लोग आए हुए पिता ये 2024 में विषय लिख कर जीव जंतु मौत और मृत्यु डायरिया मलेरिया टाइफाइड
और अनेक तरह के अंधकार की आत्मा से, अनेक तरह का हानिकार आत्मा से हम समझती हिफाजत किया करना पिता। जैसे मुर्गी एक मुर्गी अनेक बच्चा बच्ची को पंख होते आड़ कर संभालती है, आवाज लेके छुपा दबा लेती है, हिफाजत किया करती है, उसी तरह पूजी हम यहाँ पर जितने लोग है, भाई बहन बेटे बुटे जहाँ कैसे लोग है पिता, सब मिलकर दुआ प्रार्थना किए, सबका प्रार्थना के ऊपर से उत्तर को दिया करना और सबको हिफाजत किया करना। जो हमारे बेटे बेटों बेटे बेटियाँ पर हो, जो भी समस्याओं को लेकर उनका समस्या को हल करने वाला तू महान पिता, तू है वैद्यों का वै डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता, उनके सारा प्रार्थना को सुन लेना और सुनकर उनको दिया करना पिता प्रभु पिता। जैसे आने में मदद किया, इस जगह से लौटने में मदद किया करना पिता। हाँ प्रभु, हम लोग 2024 पिता मई महीना के लिए भी दुआ करते हैं कि मई महीना में जो 25 तारीख फास्ट है उसमें भी लोगों को आने के लिए अगुवाई करना, यहाँ तक आने में मदद किया करना, ताकि तेरा वचन को सुने पा और बचने पा और तेरा मार्ग को लोग पहचाने पिता। इन सब हम लोग सारे निवेदन प्रार्थना को तेरे पवित्र हाथों तेरे हम लोग सुनते हुए प्रार्थना किया करते पिता। इन प्रार्थना ऊपर सुनकर आशुक हमारे जीवन में हमारे बेटे बेटों को परिवार और जीवन में दिया करना पिता। सारा इज्जत महिमा तेरे को देते हुए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हुए आमीन। पिता का प्रेम पवित्र आत्मा का सौभाग्य यीशु मसीह का आगमन तक हम सब लोग साथ हो, प्रभु हमारे साथ, प्रभु आप लोग साथ हो। आमीन आमीन आमीन। सबको नमस्कार, जय मसीह।